केक तो आपने कई बार बना करके खाया होगा, क्या आपने कभी गुड़ और आटे से केक बनाया है? और वो भी इतना सॉफ्ट केक कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि गुड़ और आटे से इतना सॉफ्ट केक बन सकता है। बिना ओवन के बनेगा और बिना एग के बनेगा। इसमें मैं ना तो मैदा डालूंगी और ना ही चीनी डालूंगी। इसके बावजूद भी ये केक इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप देखते रह जाओगे। तो चलिए फिर बनाते हैं केक। केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन को ले लेते हैं। अब उसमें डाल देंगे 100 ग्राम करीब गुड़। 100 ग्राम गुड़ डालने के बाद में अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा पानी। तो पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके डालिएगा और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हम पानी को। नाप करके डाल दीजिए या फिर उसी कटोरी से, आप तिहाई हिस्सा होता है ना, यानी कि आधी से भी कम कटोरी में हम पानी ले लेंगे, वो पानी इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद में अब लगातार चलाते हुए हम सारे गुड़ को अच्छे से घोल लेते हैं। या चाहे तो आप इसको थोड़ा गैस पर रख के पका भी सकते हो, लेकिन अगर आप गुनगुने पानी से घोलोगे तो ये बहुत आसान तरीके से घुल जाता है। तो बस अब इसको हम छन्नी से छान लेते हैं। तो एक इस तरह से हम बर्तन ले लेंगे और उसमें हम छन्नी से अच्छे से इसको छान लेते हैं। में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा कचड़ा आ जाता है, तो इसके लिए हमें छानना बहुत आवश्यक है। तो बस इसको हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे तो इसका जितना भी कचड़ा है वो आसानी से निकल जाता है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर करके ताज़ा दही। तो दही ना तो फ्रेश का होना चाहिए और ना ही खट्टा होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर जो हम दही रखते हैं तो उसको डाल देंगे। अगर आपका दही फ्रिज में रखा है तो उससे थोड़ी देर के लिए आप पहले इसको बाहर रख दीजिए और फिर इसमें डालिए। तो बस अब इसको हम गुड़ और दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। तो एक हम इस तरह से मथनी ले लेंगे और उससे इसको हम अच्छे से फेंट देंगे। तो गुड़ और दही अच्छे से फेंट चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच भर करके ऑयल। तो ऑयल आप कोई भी ले लीजिए, बस केवल एक बात का याद रखिए कि ऑयल जो होता है यानी कि जो तेल रहेगा उसमें खुद का स्वाद नहीं होना चाहिए। जैसे रिफाइंड में कभी कभी स्मेल आती है तो उसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे या तो राइस ब्राउन ले लीजिए या फिर ऑलिव ऑयल होता है, उसमें भी खुद की खुशबू नहीं रहती है, वो हम डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हो। गुड़ और ऑयल को भी मैंने अच्छे से फेंट करके एक साइड रख दिया है। अब एक बर्तन ले लेते हैं फिर से। अब इसमें डालेंगे हम गेहूँ का आटा। तो मैंने इसमें ले लिया है 150 ग्राम करीब गेहूँ का आटा। और आटे को अच्छे से आप छान करके ले लीजिए। अब इसमें डाल देंगे हम 40 ग्राम करीब सूजी। तो यानी कि आप तो इस तरह से नाप बना लीजिए कि एक कटोरी आप गेहूं का आटा ले लीजिए तो उसमें चौथाई कटोरी ले लीजिए सूजी को। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर करके हम बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है ना, केक को फुलाने का काम करता है, तो इसको आप ज़रूर डालिएगा। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद में अब 1/4 चम्मच इसमें डाल देते हैं हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप 1 चम्मच भर करके इसमें बेकिंग पाउडर डालिए और 1/4 चम्मच सोडा डालिए। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में एक छन्नी ले लेंगे और छन्नी से अच्छे से हम छान लेंगे। ये केक बनाना बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। गुड़ और आटे का केक बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हम एक छन्नी में आटे को डालते जाएंगे और धीरे धीरे से इसको हम छान लेंगे। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो आप एक साथ भी इसको छान सकते हो। इसी तरह से मैंने सारे आटे को इसमें डाल दिया है और देखिए छान भी लिया है। सारे आटे को छानने के बाद में अब हम छन्नी को एक साइड रख देते हैं और अब हम ले लेंगे वो गुड़ जिसको मैंने घोल करके घी और दही मिला के रख दिया था ना, उस गुड़ को अब हम ले लेते हैं, यानी कि गुड़ का जो घोल बना के रखा था वो ले लेंगे। अब धीमे धीमे से हम आटे में डालते जाएंगे और इसी तरह से चम्मच से इसको हम चलाते जाएंगे। याद रखिए एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या है ना, जो आटे है उसमें गुठले पड़ जाएंगे तो केक हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने एक साथ डाल भी दिया और गुठली पड़ भी जाए तो आप या तो इसको मिक्सी में डाल करके फेंट लीजिए या फिर आप तेज़ तेज़ मथनी ले लीजिए, मथनी से भी आप इसको तेज़ तेज़ चला करके फेंट सकते हो। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, हमारा कहने का ये मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से हमें इसको बैटर को बनाना है। बस देखिए सारे गुड़ को मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मैंने इसको मिला भी लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ढक करके रख देंगे हम कम से कम है तो 7 से 8 मिनट के लिए। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ों को मिला के और ढक के इसको रख देते हैं। जो लोग चीनी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं यानी कि डायबिटीज़ के मरीज हैं तो उन्हें चीनी मना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, इसको ये बना करके खा सकते हैं।
तो बस देखिए इधर मैंने क्या किया कि एक कढ़ाई को ले लिया है, आप इस तरह से या नॉन स्टिक कढ़ाई हो आप वो ले सकते हो, कोई भी आप, मैं तो कुकर ले लीजिए, आपके पास जो भी वो है कढ़ाई आप वो ले लीजिए, फिर कुकर को ले लीजिए। अब इसको हम एक स्टैंड रख करके ढक देते हैं और गैस को ऑन कर देंगे, इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे कढ़ाई को। अब ले लेते हैं हम एक यहाँ पे बर्तन जिसमें हम केक बनाएंगे, तो वो एक मैंने यहाँ पे डिब्बा ले लिया है, बर्तन है, टिफ़िन है, आपके पास जो भी हो या फिर केक बनाने वाला सांचा हो उसको आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और तेल को अच्छे से ब्रश से हम चारों तरफ मिला देंगे, यानी कि चारों तरफ उसको लगा देंगे। अब इसके में ले लेते हैं हम सूखा आटा, तो गेहूं का मैंने यहाँ पे सूखा आटा ले लिया है और उसी टिफिन में हम डाल करके अच्छे से आटे को चारों तरफ टिफिन के लगा देंगे, यानी कि जिस जगह हम केक बनाएंगे तो सारे टिफिन में हम आटे को अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से लगा लेना है आपको भी। इसमें थोड़ा सा आटा बचा है उसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं, अगर इसमें जो आटा रह जाएगा ना तो फिर वो केक के नीचे आएगा तो कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए जितना भी आटा बचे वो आप एक कटोरी में इस तरह से निकाल करके रख लीजिए। अब हम जो मैंने केक के लिए बैटर बना के रखा था उसको देखते हैं, ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये भी अच्छे से फूल चुका है। इसको फुलाने में क्या है ना, जिसमें मैंने सूजी डाली है ना, तो सूजी के लिए मैंने इसको बना करके रख दिया ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। अब हमने देखिए थोड़ा सा ही हमको गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर करके दूध। तो दूध भी मैं फ्रेश का नहीं डालूंगी, बस रूम टेम्परेचर पर दूध रखा है उसको हम ले लेते हैं। तो बस इस तरह से 1 चम्मच से आप नाप लीजिए और बस इतना ही दूध हमें इसमें डालना है। तो दूध डालने के बाद में अब चम्मच से हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं तो ताकि ये दूध भी मिक्स हो जाएगा और ये आटा जो मैंने रखा था वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप चम्मच से तेज़ तेज़ एक ही एंगल में चलाते रहिए। तो देखिए इस तरह से हमें बैटर को बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हम ले लेते हैं वो टिफ़िन जिसमें हम केक बनाएंगे, तो बस इस तरह से टिफ़िन लेने के बाद में सारे बैटर को हम इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे बैटर को इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद में अब हमने कुछ ड्राई फ्रूट काट के रखे थे, जैसे बादाम के थोड़े टुकड़े मोटे मोटे से काट लिए हैं, आप यहाँ पर चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जैसे पिस्ता डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, किशमिश भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। तो मैंने तो बस बादाम और पिस्ता को डाला है, तो बादाम को मैंने टुकड़ों में काट लिया और पिस्ता को मैंने किसनी से थोड़ा सा कस करके डाला है। तो इस तरह से डालने के बाद में अब कढ़ाई की ओर चलते हैं, जो मैंने कढ़ाई को रख दिया था हीट होने के लिए, तो वो भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसी टिफिन को मैं इस कढ़ाई में रख दूँगी और रखने के बाद में इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट तक पकने देते हैं। तो वापस से मैं थाली भी इस पर ढक दूंगी और ढकने के बाद में गैस को अभी हम तेज़ कर देंगे। अभी तो आप गैस को तेज़ करिएगा, फिर इसके बाद में 10 मिनट के बाद में आप उसको धीमा कर दीजिए। तो बस इस तरह से थाली ढकने के बाद में गैस को अभी हम बहुत तेज़ कर देंगे, तब तक हमारा केक बन रहा है। जब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। तो देखिए थोड़ी देर के बाद यानी कि मैंने 20 मिनट के बाद इसको खोला है और खोलने के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो मैंने अभी तीली इसमें एक ले ली है, उसको डाल दिया है। डालने के बाद में देखते हैं कि तीली में थोड़ा सा भी चिपक रहा है, तो इसका मतलब केक अभी पूरी तरीके से नहीं पका है, थोड़ा कच्चा है। तो 20 मिनट तो हो चुके हैं, इसके बाद में मैं 5 मिनट इसको और पका लेती हूँ। तो फिर से मैं ढक देती हूँ और फिर से पका लेती हूँ। तो 5 मिनट भी हो चुके हैं, अब देखते हैं तीली डाल करके। तो एक मैंने फिर से तीली ले ली और इसको मैं डाल करके देख देती हूँ। तो देखिए अब बिल्कुल भी तीली में नहीं चिपक रहा है, तो केक जो है वो हमारा अच्छे से परफेक्ट पक चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बात को आप विशेष याद रखिएगा, जब भी आप केक बनाइएगा पहले तो गैस को हम तेज़ आँच पर पकाएँगे, फिर इसके बाद में हम धीमी आँच पर इसको पकने देते हैं। तो अब देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद में एक हम किसी तरह की प्लेट ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, उसमें इसको निकालेंगे। तो इससे पहले हम एक चाकू ले लेते हैं और इसके चारों तरफ हम चाकू से इसको निकाल लेंगे, यानी कि चाकू को इस तरह चारों तरफ चला देंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। अभी किस तरह से हमने पेपर, बटर पेपर डाल करके प्लेट पर ले लिया है, अब उसको हम पलट देते हैं टिफिन को। टिफिन को पलटने के बाद में देखिए हम धीरे से टिफिन को बाहर निकाल लेते हैं, कहीं भी नहीं चिपका है, कितनी आसान तरीके से केक निकला है। तो केक को मैंने सीधा भी कर दिया है, जब मैंने केक को निकाला था तब मैंने उल्टे साइड से निकाला था, लेकिन फिर मैंने वापस से इसको पलट के सीधा कर दिया है।
अब देखिए इसको हमें चाकू से काट के भी दिखाते हैं। तो बस इस तरह से आप चाकू को रख लीजिए और धीरे धीरे से इसको इस तरह काट लीजिए। कितने आसान तरीके से कट रहा है, कितना सॉफ्ट है, आपको दिखने में भी लग रहा होगा। तो ये केक आप कभी भी बना करके खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप बर्थडे पे ही बनाएं। वैसे भी बच्चे हमारे केक मांगते हैं तो उनको आप बना कर खिला दीजिए, या फिर आपके घर में कोई आ रहा है तो वैसे बना लीजिए। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप गुड़ का केक बना करके खा सकते हो। अब मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाई देती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। इतनी आसानी से देखिए निकल रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि कितना सॉफ्ट बना है, आपको दिखने में भी लग रहा होगा। तो बस आप भी इस तरह से एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये रहा आपका गुड़ और आटे का सॉफ्ट वाला केक। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपको कोई और रेसिपी जाननी है या सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी वो रेसिपी आपके लिए बनाने के लिए।